अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से, जहां सिंचाई पानी को तरस रहे हैं क्षेत्र के किसान। जी हां, सिंचित इलाके को कब मिलेगी सिंचाई पानी की व्यवस्था? हरी के बैराज से पाकिस्तान जा रहे पानी का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है बड़ा। 5 महीने से बता दें कि IGNP को नहीं मिला है सिंचाई का पानी। पोंग डैम का लेवल बढ़ने के बाद भी सिंचाई रेगुलेशन जारी नहीं हुआ। लाखों हेक्टेयर में खरीफ फसल की बिजाई से किसान वंचित रह गए और सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अनूपगढ़ ब्रांच में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसान एकजुट हो रहे हैं। तो सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के पानी की व्यवस्था से आज तक किसानों को लाभ नहीं मिला है। लाखों हेक्टेयर में खरीफ की फसल की सिंचाई से और बुवाई से वंचित रह गए हैं। सिंचाई पानी की मांग को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है। अधिक अपडेट के साथ में संवाददाता सुरेंद्र डेलू इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, देखिए, काफी लंबे समय से सिंचित क्षेत्र का दायरा तो निश्चित कर दिया गया, लेकिन सिंचाई का पानी आज तक भी वहां मुहैया नहीं है, जिसे ऐसे हजारों किसानों की संख्या है जो कि काफी परेशान है कि सिंचित इलाके को आखिर कब सिंचाई का पानी मिलेगा। अब एक आंदोलन के संबंध में रूपरेखा भी तैयार की जा रही है, क्या पूरी अपडेट फिलहाल सुरेंद्र? जी जयंती, जिस तरीके से IGNP नहर 3 बड़े जिले को जोड़ने वाली नहर है, बड़ा रकबा है, बड़ा सिंचित इलाका है, लेकिन बात करें तो इस बार खरीफ फसल की बिजाई सिंचित इलाके में नहीं हो पाएगी, जिसका बड़ा कारण यह है कि पोंग डैम के हिमाचल एरिया में बारिश नहीं होना, पोंग डैम का लेवल नहीं बढ़ने के चलते IGNP नहरों में पानी नहीं मिला है। बात करें तो कुछ ही दिन पूर्व हिमाचल के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश हुई थी, जहां पोंग डैम का लेवल 1275 फीट था। अच्छी बारिश के चलते 20 फीट डैम का लेवल बढ़ा, यानी कि 1295 फीट अब डैम पहुंच चुका है। ऐसे में IGNP नहरों में पानी नहीं मिल रहा है। बात करें, पिछले 5 महीनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी क्षेत्र के किसान पानी को तरस रहे हैं, सिंचित इलाके के किसान पानी को तरस रहे हैं ताकि सिंचाई रेगुलेशन बनाया जाए व किसानों को पानी मिले। लेकिन इस हालत में जब डैम 1295 फीट पहुंच चुका है और वहां पर बारिश भी हो रही है, बात करें तो वहां का पानी पाकिस्तान छोड़ा जा रहा है, हजारों क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के नाल IGNP इस क्षेत्र को पानी नहीं मिलना कहीं न कहीं यह एक सरकार का लचीलापन भी दर्शाता है। बात करें तो IGNP क्षेत्र के अनूपगढ़ ब्रांच में पिछले लंबे समय से पानी नहीं मिलने के कारण खरीफ की फसल की बिजाई नहीं हो पाई है। बात करें सूरतगढ़ ब्रांच पर किसानों की बिजाई नहीं हो पाई है। बात करें जैसलमेर एरिया की, तो वहां पर पानी सिंचित इलाके के अंदर बिजाई नहीं हो पा रही है। तो 3 जिले इस IGNP नहर से जोड़ते, तीनों जिलों के किसान आज भी सिंचाई पेयजल को तरस रहे हैं। 5 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी किसानों को अभी भी पेयजल पानी दिया जा रहा है। एक बात और जयंती में बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से सिंचाई का रेगुलेशन जारी नहीं हो पा रहा, हालांकि पानी उसके अनुरूप जरूर दिया जा रहा है, लेकिन अगर सिंचाई रेगुलेशन के तहत पानी दिया जाता है तो किसान उसके अनुरूप बिजाई कर सकते हैं, लेकिन कभी कम पानी दे दिया जाता है, कभी ज्यादा पानी दे दिया जाता है। ये इस स्थिति के अंदर किसान अभी भी असमंजस में है कि बिजान करें या ना करें। बात करें तो जिस तरीके से खरीफ फसल की बिजाई का समय 15 जुलाई के तक ही उपयुक्त माना जाता है, ऐसे में आज 17 जुलाई हो चुकी है, अगर अभी भी सिंचाई रेगुलेशन नहीं बनता है तो अगस्त महीने के अंदर यह पानी किसी किसानों के काम का भी नहीं रहेगा, समय भी निकल जाएगा, उपयुक्त समय बिजाई का नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति से इस असमंजस में है, किसान भी चाहते हैं कि सिंचाई रेगुलेशन बने, उच्च अधिकारियों की बैठक हो, BBMP मीटिंग में राजस्थान का शेयर निर्धारित होता है, लेकिन शेयर निर्धारित होने के बाद भी हालांकि इस समय IGNP नहर में 8000 क्यूसेक पानी चल रहा है, इस 8000 क्यूसेक के अंदर किसानों को सिंचाई पानी दिया जा सकता है, 3 में से 1 समूह चलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक सिंचाई विभाग के अधिकारी इस रेगुलेशन को बनाने में असमर्थ है। ऐसे में सिंचित इलाके के किसानों की बड़ी परेशानी बनी हुई है। जी जयंती जी, चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।